शिक्षा में ई लर्निंग एजुकेशन को लेकर प्रदेश की प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। गोरखपुर एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संयुक्त शिक्षा निदेशक सत्यम मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने शिक्षा में ई लर्निंग तथा आरोग्य सेतु ऐप पर चर्चा की। प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि अथवा विद्यालय खुलने की अवधि तक ऑनलाइन ई लर्निंग, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लासेस प्रारंभ किया जाए और इस कार्यों के लिए सभी प्रधानाचार्य अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों तथा कर्मचारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक 15 से 20 मिनट का अंतराल रखते हुए 1.5 से 2 घंटे के 3 पीरियड निर्धारित कर शिक्षक विषयवार टाइम टेबल तैयार करवा लें, जिससे छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराया जा सके। जैसे कि ओवरऑल में हमने देखा कि दो जनपदों में बहुत अच्छा किया, जालौर और लखनऊ। उन्होंने 100% स्कूल के ग्रुप्स बना लिए हैं, सभी टीचर्स के ग्रुप्स बन गए हैं सब्जेक्ट वाइज। जालौर में 12% बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो सारे टीचर्स के ग्रुप बन गए हैं व्हाट्सएप के, बट स्टूडेंट्स अभी कम जुड़े हैं। तो नेक्स्ट स्टेज पे वही हमने सभी को निर्देश यही दिए कि आप अपना डिप्लोमा बना लीजिए, कितने स्टूडेंट, कितने टीचर के क्लास में स्टूडेंट कितने और कितने जुड़ पाए, उन लोगों व्हाट्सएप ग्रुप 100% टीचर के बना लिए हैं। इसी तरह ललितपुर 99% टीचर्स के ग्रुप बन गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, महोबा 94%, लखीमपुर 94%, बांदा 93%, महाराजगंज 91%। जो खराब डिस्ट्रिक्ट है मैम, खासतौर से आगरा में 9% ही व्हाट्सएप ग्रुप बन पाए हैं अभी तक। बुलंदशहर 10%, बलिया 10%, आजमगढ़ 11%, गाजियाबाद 12%, एटा 13%, गोंडा 14%, भदोही और कन्नौज 15%, ये 15% से कम है। मुझे एवरीजेडी के उनके मंडल में क्या मंडलवार की सूचना बनाई। आपको मेरी तरफ से नमस्कार। पहली चीज, आज मैं एजेंडा शायद वही सब बिंदु रखे गए थे जो हम लोग ने 3 दिन पहले किया था, पर इसका मुख्य फोकस है ऑनलाइन लर्निंग। जैसा कि आप लोग कुछ दिन भी बताया गया था कि हम लोग कुछ दिन बाद इसकी समीक्षा करेंगे। आज जैसे राजेश ने आपको बताया कि इसको हम लोग को ये देखना है कि कहां कहां स्टार्ट हो गया है, तो मंडलवार हम लोग टेकअप करेंगे, जो लोएस्ट है उनसे हम शुरू कर रहे हैं और वो अपने सभी जनपद के बारे में जीडी बताएंगे कि क्या पोजिशन है और क्या प्रॉब्लम है। यदि किसी VIOs को कुछ कहना हो तो उसने कह दे, केवल आवश्यक बातें कहिएगा, रेपिटेशन मत करिएगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले ये बताएं कि जीडी आजमगढ़ है ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने का विद्यालय। यहाँ मैं ये भी अनुरोध करूंगी राजेश से और डायरेक्टर साहब से कि इसमें जरा इसका फॉर्मेट बदले, क्योंकि अब हम लोग को अगर ये हम लोग ने निश्चय कर लिया है कि हम लोग करेंगे व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास का ही उस फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा केवल ऑनलाइन शिक्षण इज अ डिफरेंट थिंग। पहले व्हाट्सएप ग्रुप हमारे 3 स्टेज पे हो रहे हैं। PIs बनाएंगे प्रधानाचार्य के, प्रधानाचार्य बनाएंगे अपने अपने टीचर्स के, टीचर्स बनाएंगे अपने बच्चों के। तो हमको हर उसका एक हो चाहिए होगा, फिर उसके बाद ये देखना है कि उस ग्रुप के माध्यम से कितने में ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ हो गया है कुछ, क्योंकि मुझे ऐसी भी मतलब आभास सा हो रहा है कि ऑनलाइन शिक्षण में हम लोग बहुत सारी चीजें ले रहे हैं। तो अगर हम फोकस कर रहे हैं व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास पे, तो उसका हम लोग पहले फीडबैक ले लें। यदि कोई जनपद कोई और सिस्टम यूज कर, हम उसका अलग से देख लेंगे। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास से ही करना है ये, क्योंकि अभी तक सबसे कारगर तरीका समझ में आया, इसलिए ये सजेस्ट किया गया है। यदि कोई DIOs कोई JT इससे बेटर सिस्टम सोच सकता है तो वो स्वतंत्र है।